एक सवाल, क्योंकि आपने बहुत सारी शख्सियतों का जिक्र किया, यही तो पूरा मसला है ओवैसी साहब। इतिहास महान शख्सियतों का, वर्तमान कई मदरसों से आतंकी लिंक मिलना, यही तो पूरा पूरा बवाल ही यही है। स्टेट में आर्मी के लोग पकड़े गए जिनको हनी ट्रैप किया गया था, वो फोटोज दे रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई को, तो क्या हम सबको ब्लेम कर देंगे आर्मी के लोगों को? ललन टॉप पे दिखाया गया एक शख्स को दो दिन पहले कि उसने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा, तो हम सबको, उस पूरे समुदाय को ब्लेम कर देंगे? सरासर गलत बात है आपकी। मैं मुत्तफिक नहीं हूं आपकी बात से कि एक मदरसे में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको आप प्रूफ करिए, उसके बाद बताइए आप। मगर पूरे मदरसों को आप एक ही लकड़ी से हांक रहे हैं कि पूरे मदरसे आतंकवादी के सेंटर बन चुके हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं कंडेम करता हूं अगर कोई ये कह रहा है तो। अंसारी जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। शक की निगाह से आप मदरसों को देखते हैं, आपने एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट इस देश में बना दिया है जिसकी भरपाई करने के लिए आप इस तरह के सर्वेस कर रहे हैं और वही गुस्सा अल्पसंख्यकों में भर रहा है। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 का वायलेशन है आप इस तरह से अगर डेटा कलेक्ट करते हैं मदरसों पर। तो देखिए, योगी सरकार के किस नुमाइंदे ने यह बोला कि हम मदरसे को शक की निगाह से देखते हैं? किस नुमाइंदे ने ऐसा बोला योगी सरकार के कि मदरसों में ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती हैं? अगर हम मदरसों में अच्छी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मदरसों को हम और बेहतर और वहां के एजुकेशन के सिस्टम को अच्छे क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर एनसीईआरटी कोर्स के साथ, अरे असम में भी आप ही की सरकार है ना, अगर एक टीचर का आतंकी लिंक मिलता है तो आप मदरसे पर कैसे बुलडोजर चला देंगे? वहाँ जिस जगह मिला वहाँ कार्रवाई हुई ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ बुलडोजर लेके हर मदरसे को गिराया जा रहा है। जहाँ ऐसी शिकायत हुई, जांच हुई, जांच अगर सत्य पाया गया उस जगह पर बुलडोजर चला देंगे, ऐसा बुलडोजर चला देंगे। जहाँ गलती हुई है कानूनी कार्रवाई वहां होगी, लेकिन इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई में कोई भेदभाव या कोई द्वेष नहीं रखा जाएगा और कार्रवाई होना ये जरूरी है, इसलिए कि हम मदरसों से लगातार, चाहे इतिहास आप उठा के देख लीजिए, आजादी से पहले भी मदरसों का आजादी में भी योगदान रहा है और आजादी के बाद भी भारत के डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में मदरसों का योगदान रहा है। और मदरसों को जो भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, सरकार पूरी सख्ती से उस पर निपटेगी। सरकार किसी को इजाजत नहीं देगी कि मदरसों की इमेज के साथ कोई खिलवाड़ करे, और सरकार ये भी इजाजत नहीं देगी कि मुस्लिम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। वाह वाह, आपने तो अलग ही एंगल दे दिया, एकदम ही अलग एंगल दे दिया। वहां बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर आप समझा रहे हैं कि आप जो लोग बदनाम करेंगे मदरसे को उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।